वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फिर से आपका स्वागत है एक नए दिल्ली ब्लॉग में। और दोस्तों दिल्ली ब्लॉग में मैं आ चुका हूँ सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम में, जो कि दोस्तों एक यूनिक प्लेस होने वाला है। और दोस्तों आपको नॉलेज के लिए बता दूँ कि ये वर्ल्ड का पहला म्यूजियम टॉयलेट है। और दोस्तों एक मूवी भी आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा करके, उसको दोस्तों बनाने से पहले अक्षय कुमार जी ने यहाँ विजिट करा था कि जानने के लिए कि टॉयलेट के बारे में हिस्ट्री वगैरह कुछ जानने के लिए वो आए थे यहाँ पे। सो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसके बारे में क्या हिस्ट्री है, इसकी क्या चीज़ है, सब कुछ दोस्तों पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो बटन लाइक, चैनल बटन सब्सक्राइब। तो उसके नियर बाय जो मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो पड़ता है दशकपुरी का, जहाँ से इसका डिस्टेंस वॉकिंग डिस्टेंस 680 किलोमीटर का। सो चलिए उसे चलते हैं। अब उससे 3 नंबर गेट से जैसे एंट्री करते हैं, सो हमें इस साइड जाना है। और दोस्तों आप देखते हैं वॉल पे उन्होंने इस तरह से पेड़ से सजा रखा है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। एंट्री करते हैं। सो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे रास्ता है, यहाँ पे एंट्री फ्री है, कोई टिकट चार्ज नहीं है इसका। बाकी दोस्तों चलिए पहले चलते हैं इसके म्यूज़ियम के अंदर। और दोस्तों म्यूज़ियम इसका एक बहुत ही यूनिक सा है, जो कि दोस्तों आपको देख के आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सो गाइस अभी हम आ गए हैं म्यूजियम के जस्ट इन फ्रंट गेट पे। सो सामने दोस्तों एंट्री गेट है। तो दोस्तों अभी आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि ये हफ्तों के 7 डेज ओपन होता है और सुबह दोस्तों 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है, और संडे या हॉलीडे में 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है। सो दोस्तों सामने है म्यूजियम का गेट, चलिए चलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं किस तरह से। सो चलिए चलते हैं। टीवी 18 पे ओ माय गॉड ये मेरा इंडिया करके एपिसोड आता था, वहाँ पर इसका एपिसोड बनाया हुआ है। तो दोस्तों इससे पता लगा सकते हैं यहाँ की यूनिक जगह है। सो गाइस अभी हमारे साथ चंदन कुमार जी हैं, जो कि दोस्तों हमें पूरा एक्सप्लोर करके बताने वाले हैं कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ से रिलेट करता है, क्या इसका थीम है, सब कुछ एक पूरे दोस्तों चीज़ बताने वाले हैं। सो सर आपका नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद सर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स। ये हमारा म्यूजियम है टॉयलेट का, ये वर्ल्ड का फर्स्ट म्यूजियम। ओके। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी इनके फाउंडर हैं, आप एक पिक्चर देख सकते हैं उनका, ये फाउंडर है। देखते हैं कि मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो हमारा पहला काम क्या होता है। तो फर्स्ट हमारा काम होता है टॉयलेट जाना। जब तक हम टॉयलेट नहीं जाते हैं तो पूरा दिन लगता है बेकार चला गया, लेकिन जब हम वही टॉयलेट होकर फ्रेश हो जाते हैं, हमारे शरीर से इतना वेस्ट निकल जाता है, तो हम पूरा दिन राजकुमार बने रहते हैं। चलो यार मूड फ्रेश हो। राइट। तो अब हम आपको अपने म्यूजियम के बारे में बताना चाह रहे हैं। आप अपने घरों में ऐसा सीट यूज करते हैं, इस टाइप के सीट को क्या बोलते हैं, क्या नाम है ऐसे सीट का? वेस्टर्न सीट। वेस्टर्न मीन्स आउट ऑफ इंडिया, तो उसे वेस्टर्न हमने बोला। तो आप जानते हैं जब इंग्लिश सीट है आपका, तो अपने इंडिया में इंग्लिश कहाँ से आई? यूरोपियन कंट्री वालों ने दिया। उसी तरह इंग्लिश सीट भी फर्स्ट टाइम यूरोप में यूज होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इंग्लिश सीट फर्स्ट टाइम यूज इन इंडिया इन 2500 BC इन मोहनजोदारो। फर्स्ट टाइम हमने अपने इंडिया में यूज किया। अब हम साइंस के जमाने में जी रहे हैं तो हमें प्रूफ चाहिए, तब हम भरोसा करते हैं। तो प्रूफ के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको प्रूफ हो जाएगी कि हम इंग्लिश सीट कहाँ यूज हुआ। आप इस पिक्चर को देखिए, आपका इंग्लिश सीट है ना, चेयर टाइप टॉयलेट को हमने इंग्लिश सीट बोला। मिडिल में होल था, डिफिकेट करा, जो भी वेस्टेज था वो नीचे आया, पॉकेट से फ्लश करने के बाद सारा ह्यूमन वेस्ट आउट ऑफ विलेज जाती थी विद ड्रेनेज सिस्टम। वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम इंग्लिश सीट अपने इंडिया में यूज हुआ, ड्रेनेज सिस्टम अपने इंडिया में यूज हुआ। ये आपका रेन हार्वेस्टिंग था, जिसे आप ग्रेट वाथ भी बोलते हैं। तो रेन हार्वेस्टिंग में पानी को स्टोर करते थे, ये सब आपका टॉयलेट सीट था। तो इतना सब कुछ फर्स्ट टाइम इन्वेंशन अपने इंडिया में यूज किया, लेकिन आज के डेट में आपने इस सीट का क्या नाम बताया? वेस्टर्न टॉयलेट। और फर्स्ट टाइम इन्वेंशन कहाँ हुआ? इंडिया में। तो सोचिए आज हम अपने इंडिया के बारे में ही अच्छे से नहीं जानते, और हमारा इंडिया टॉयलेट में भी कहाँ था? अब ये पार्ट आपका पाकिस्तान में।
ये धोलावीरा है डिस्ट्रिक्ट कच्छ गुजरात, ये फर्स्ट टाइम अपने इंडिया में यूज हुआ। आपने कभी वेल देखा कुआं? यस यस। आज भी हम लोग कुआं यूज करते हैं। वेल का फर्स्ट एज आपका 2500 BC मीन्स थर्ड मिलेनियम BC। तो फर्स्ट टाइम बेल यूज हुआ, टेराकोटा पाइप यूज हुआ। टेराकोटा पाइप क्या था? जो हमारे घर में बाथ सीट से कनेक्टेड था, बाथ का वेस्ट पानी टेराकोटा पाइप से फ्लश होके आउट ऑफ विलेज चली जाती थी। तो इतना सब कुछ अपने इंडिया में था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी अपने इंडिया में यूज हुआ। लेकिन आज हम अपने इंडिया के बारे में नहीं जानते। मैं कुछ और यूनिक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको। ये हमारे म्यूजियम में मोबाइल टॉयलेट है। मोबाइल से कहीं भी हम कॉल करके बात कर सकते हैं, लेकिन ये मोबाइल टॉयलेट है जो कहीं भी ले जाके यूज करते हैं। ये ज्यादा पार्टी फंक्शन, स्लम एरिया, फेयर इवेंट्स में यूज होते हैं। आपने टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी देखा होगा, तो टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी अक्षय कुमार जी ने बनाई थी। ये आपका मनु स्मृति विष्णु पुराण है, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहीं से ले गए थे, अपने मूवी में डिस्प्ले करा था। मेन बात क्या है कि जब पानी पीने का जहां सोर्सेस था, सोर्स तो पहले आपका कुआं था, तो इससे उस टाइम के लोग 10 कदम की दूरी पे लैट्रिन टॉयलेट यूज किया करते थे। जहां पॉपुलेटेड एरिया होती थी वहां से 100 हैंड डिस्टेंस मेंटेन करते थे, और जहां मंदिर था तो मंदिर से 400 हैंड डिस्टेंस मेंटेन होता था। लेकिन आज हम ऐसा करते हैं नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास पॉपुलेशन काफी स्पेस नहीं, तो आज हम घरों में टॉयलेट बना के यूज करते हैं। आपका 1920 में अमेरिका में ऐसा यूज हुआ था ऑफिस पर्पस के लिए। ऑफिस का ही टॉयलेट था, 2 फ्लोर्स होते थे ऐसे टॉयलेट में, एक था लोअर फ्लोर, एक थी अपर फ्लोर। जो भी लोअर फ्लोर था वो हमेशा ऑफिस के स्टाफ के लिए रिजर्व होता था, अपर फ्लोर था वो हमेशा बॉस के लिए रिजर्व होता था। क्यों? क्योंकि बॉस तो बॉस है ना। हाँ। सर, यूरोप में एक बहुत अच्छी बात है कि एक बीमारी आई थी प्लेग, फैलने का कारण क्या था कि जो भी यूरोपियन फैमिलीज होती वो लैट्रिन करके बकेट स्टोर करते थे ऐसा, और जैसे बकेट फुल हो जाता वो रात में खिड़की से बाहर फ्लश कर दिया करते। तो यहाँ बकेट सिस्टम था, जो भी वेस्टेज हुआ वो नीचे गिरा, पानी पीने का जो भी सोर्सेस था वो गंदे होते चले गए, तो इस कारण ये बीमारी आई। इतने लोग मरे कि हिस्ट्री में लेसन आया, नाम पड़ा ब्लैक डेथ, और यही ब्लैक डेथ से करीब 80% लोग मर गए थे यूरोप में, पूरा यूरोप खाली हो चुका था। तो आप अपने इंडियन फोर्ट्स का टॉयलेट सीट देख रहे हैं। Okay. एक कुंभलगढ़ फोर्ट, इसमें भी टॉयलेट सीट था जो 50 फीट डीप था। भानगढ़ फोर्ट सुना होगा आपने, हॉन्टेड पैलेस है, इसमें भी टॉयलेट सीट था आपका। तो इन सारे फोर्ट्स में आपने देखा 50 फीट डीप, लेकिन ठीक जब आप आमेर फोर्ट में आएंगे तो आमेर फोर्ट में ऐसी बात नहीं थी। इसमें क्या था, ग्रुप टॉयलेट था, बैठ के यूज किया, ट्रेन के सहारे एक जगह स्टोर हो जाती, फिर कुछ लोग आते हैं सारे स्टोरेज को अपने एक बकेट में स्टोर करके सर पे रख के गंदे जगहों पर डिस्पोज कर दिया करते। इंडिया में जो मैनुअल स्केवेंजिंग का पीरियड आया, जिसे आप मैला ढोने की प्रथा बोलते हैं, यही से आप जी 16th सेंचुरी से था। ये तो नॉर्मल है सर, आज भी दिख जाते हैं। ये आपका सुलभ का वर्ल्ड का लार्जेस्ट टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है। ये टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है पूरा, शिरडी साई बाबा मंदिर के पास एक कम्प्लेक्स है आपका, उसके अपोजिट में, और पर डे इस कम्प्लेक्स में करीब 2 लाख लोग यूज करते हैं। 2 लाख जी, इतना बड़ा कम्प्लेक्स है सुलभ का। और आपका वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट टॉयलेट कम्प्लेक्स है जो शिरडी साई बाबा मंदिर के पास है, तो साई बाबा के दर्शन के लिए बहुत से लोग आते हैं, और यहाँ विट्ठल स्वामी जी के दर्शन के लिए बहुत से लोग आते हैं। तो ये सब टूरिस्ट पैलेस है आपका। ये आपका 2 बायोडिग्रेडेबल कैरेक्टर है, नाम है मिस्टर पी मिस्टर पू। कभी आप देखते हैं लैट्रिन के लिए जाते हैं तो पू का साउंड निकल जाता, फाट हो जाते हैं, तो मिस्टर पू, ये कलर के ऊपर भी डिपेंड है। यूरिन के लिए जाते हैं पी का साउंड है तो मिस्टर पी, तो पी एंड पू। आप देखते हैं सर कि जब हम अपने इंडिया में हैं तो हमारा इंडियन कल्चर बहुत ग्रेट है। अगर हमारा पैर किसी बुक में टच हो जाती है तो हम माफी मांगते हैं कि हे भगवान गलती हो गई। लेकिन फ्रांसीसी ने ब्रिटिश को इंसल्ट करने के लिए उनके इंग्लिश लिटरेचर को लिया था और मिडिल पे होल किया। इंग्लिश लिटरेचर का नाम था मैकबेथ, रिटन बाय शेक्सपियर। तो फ्रांसीसी ने ब्रिटिश और शेक्सपियर के इंसल्ट के लिए उनके बुक के मिडिल पे होल किया, टॉयलेट सीट बनाया
और इसी बुक पे बैठ के वो लैटरिन करते थे। तो इंसल्ट करने का नया तरीका था। आप इंडिया में ऐसा करेंगे? इसलिए तो इंडियन कल्चर को ग्रेट माना जाता है कि हम सारे धर्म के इज्जत करते हैं। ये आपका जब ब्रिटिश लोग पिकनिक और हंटिंग के लिए जाते हैं, ऐसे टेबल को साथ ले जाते हैं। अब टेबल है तो इस पे खाना खाया, बुक पढ़ा, प्लेइंग कार्ड खेला। फिर जब उनको कॉल ऑफ नेचर आती वो ऐसे उठाते और इसी पे यूज भी करते। तो ईट शीट एंड स्वीप, खाओ भी आप जाओ भी आप। लेकिन आप इंडिया में ऐसा करेंगे? नहीं, नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। ये आपका लुई फिलिप 14 का टॉयलेट सीट है। लुईस 14 को क्या था? कॉन्स्टिपेशन था, इस कारण वो ऑडियंस को टाइम नहीं दे पाते, सभा में न्याय नहीं कर पाते। टाइम मैनेज के लिए उन्होंने क्या करा, नया तरीका खोजा, अपने थ्रोन सीट में टॉयलेट सीट बनाया, इसी पे बैठ के सभा को अटेंड भी करते, पर्सनल काम भी करते। तो दोनों काम इस पे किया करते। आप देखते हैं सर कि आज मॉडर्न टाइम हो गया, तो इससे पहले भी कुछ ऐसे लोग होते थे रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिलीज का काम था कुछ ऐसे काम को करना कि जो यूनिक हो। तो वो ऐसे टॉयलेट सीट को 18-19 सेंचुरी के आसपास में गोल्ड, डायमंड और कॉस्टली स्टोन से बना के यूज करते थे। मतलब बड़े लोग की बड़ी बात है। वो अब मालिक है इनके, तो वो कभी कभी इसमें यूज भी करते। फिर जो स्टाफ होता सारे वेस्टेज को क्लीन करके इसमें फ्लावर्स रख दिया करता। तो ये फ्लावर पॉट्स भी था, फिर टॉयलेट सीट भी था, जो आप इस डिजाइन में पिक्चर देख रहे हैं। ये भी बोलता यार मेरे पास तो कोई फैसिलिटी नहीं, मैं टॉयलेट कहाँ करूंगा। जो थाईलैंड वालों ने क्या करा, हमें बिग लेसन दिया। वो पहले कहीं भी यूज कर दिया करते, अब जानवर है तो कौन समझा, तो कहीं भी यूज कर दिया करते, उनके वेस्टेज को क्लीन करने में, कलेक्ट करने में परेशानी होती। तब थाईलैंड वालों ने क्या करा, हाथियों को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। और आज के डेट में हाथी इतने वेल ट्रेंड होते हैं कि ये इसी पे यूज करते हैं, बाहर नहीं जाते। और हम तो इंसान हैं, आज भी खुले में यूज करते हैं। ये आपका लेदर चेयर है, सोफा कम टॉयलेट। ये कैसीनो में ज्यादा यूज हुआ। कैसीनो में क्या है, गेम खेलते हैं, गेम इसी पे बैठ के खेलते थे। गेम जब काफी इंपॉर्टेंट हो जाती उस समय उनको टॉयलेट आता, वो गेम छोड़ के नहीं जाते। वो ऐसे उठाया इसी पे बैठ के वो सबके सामने यूज भी करते फिर गेम भी खेलते, ताकि उनको ना लगे कि यार कहीं चीटिंग ना हो जाए या मेरा माइंड डिस्टर्ब ना हो जाए। तो दोनों कामों के लिए ऐसे यूज किया करते। ये आपका ट्रेन का बायो टॉयलेट है। अब जो टॉयलेट ट्रेनों में यूज हो रही है वो इस डिजाइन का बायो टॉयलेट आपका। आजकल सर आप लोग देख रहे हैं कि मॉडर्न टाइम है, कपल्स टाइम है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर रहे हैं। अपने इंडिया में तो ऐसा नहीं करेंगे, कपल्स टाइम है तो कपल्स रहने दो भाई। लेकिन अपने इंडिया में क्या है, क्लीन है। आउट ऑफ इंडिया क्या है, कपल्स टाइम। तो कपल्स टॉयलेट भी यूज हो रहा है आउट ऑफ इंडिया। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, दूर नहीं जाए, तो टॉयलेट भी एक दूसरे के साथ ही करेंगे। टॉयलेट से उनके डिजाइन कपल्स टॉयलेट। चाइना में एक रेस्टोरेंट है ऐसा जहाँ पे सारे फूडिंग आइटम्स हैं वो टॉयलेट बॉल में सर्व करते हैं। जो भी बैठने के सीट आपका वो टॉयलेट सीट की तरह है, खाने के जो भी आइटम्स है वो टॉयलेट बॉल में ही सर्व करते हैं। तो टॉयलेट थीम में बना है रेस्टोरेंट। स्पेस टॉयलेट नहीं देखा स्पेस में। ये आपका स्पेस टॉयलेट है, मोस्ट एक्सपेंसिव टॉयलेट है, वर्ल्ड का कॉस्टली टॉयलेट है, जो नासा ने रशिया से परचेज करा $19 मिलियन में। यूज क्या है कि स्पेस में जाते हैं रिसर्च के लिए लोग, तो पानी कहाँ से पियेंगे। इसमें क्या है, जो भी यूरिन यूज करते हैं उसी यूरिन को प्यूरिफाई करता और ड्रिंकिंग वाटर में बदलता है। तब इसका कॉस्ट है $19 मिलियन। अब जरा सोच सकते हैं कि एक स्पेसशिप क्रैश करता है तो कितना लॉस होता है, तो इतना कॉस्टली है आपका। तो ये सब मॉडर्न सेक्शन है जो हम रिसेंट में यूज कर रहे हैं। टिश्यू पेपर भी चाहिए, तो ये आपका मॉडर्न टिश्यू पेपर है। दो डिफरेंट डिजाइन में बना। कैंपिंग टॉयलेट है या टेंट टाइप टॉयलेट, जो आर्मी लोग ज्यादा यूज करते हैं। कैंपिंग तो हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई भी करेगा। लेकिन कैंपिंग में जो यूज किया ये बैग है, ये बायोडिग्रेडेबल बनाया जाता। इसमें आप जो भी वेस्टेज यूज करेंगे कवर करके नीचे रख देंगे, तो क्या होता है 2 से 3 वीक में सब डिकम्पोज हो जाते हैं। फिर बैग जो मार्केट से बैग यूज करते हैं वो हार्ड होता है, डिकम्पोज नहीं होते।
आप सब देख रहे हैं सब टॉयलेट सीट है आपका, जो मैनुअल स्केवेंजिंग का पीरियड था, मैला ढोने की प्रथा होती थी, उसमें ऐसे ही पॉट्स को बोलू यूज करते थे। ये सिंगापुर का था, ये चाइना का था, वुडन टॉयलेट। चीज दिखाना चाहता हूँ, जो चाइनीज रेस्टोरेंट है उसमें ऐसे ही पॉट्स में खाना खाते लोग, जो भी केक है वो लैटिन की तरह था, इसमें निकाल के खा लो। और अमेरिका में लास वेगास एक सिटी है, वहां पे ऐसे पॉट्स को बियर पीने के लिए यूज करते हैं, तो उनका ये बियर मग है। अरे कुछ अवार्ड्स हैं जो सुलभ को मिला। टॉयलेट है बरदा आश्रम नागपुर का, जो ओल्ड एज के लोग हैं वो जमीन पे सही से बैठ नहीं पाते, कंफर्टेबल फील नहीं होता, तो उनके लिए ऐसा ज्यादा यूज हो रहा है। ये स्क्वाटिस कंपनी ने बनाया। पहले क्या था, जो टॉयलेट सीट होता वो फ्लैट होता था, अब आपका इंक्लाइनेशन में, जैसे जो ओल्ड एज के लोग हैं इस पे बैठेंगे तो उनका पैर इस पे ग्रिप बनेगा, उनका एंकल इस पे एडजस्ट हो जाएगा, वो आराम से बैठ के यूज कर सकते हैं, उनके बैक में नीचे ज्यादा पेन नहीं होता। सोलर टॉयलेट है, साउथ अफ्रीका का टॉयलेट सीट है, फैन हमेशा रनिंग में रहेगा। अब इसमें आप जो भी लैट्रिन टॉयलेट यूज करेंगे तो हमारा यूरिन भी है, लैट्रिन में पानी भी रहेगा, तो सारा पानी को इवेपोरेट करके इस पाइप से वो बाहर फेंक देता। जो सॉलिड होता है, सॉलिड को हम इस ट्रे में निकाल के सनलाइट में ड्राई करके कंपोस्ट बनाते हैं, तो ये आपका कंपोस्टिंग टॉयलेट हो जाती है। फोटोकॉपी मशीन टॉयलेट देखा? नहीं, ये तो नहीं देखा। तो ये आपका फोटोकॉपी मशीन टाइप टॉयलेट है, नाम है पोर्टा पोटी प्रिंटर टाइप टॉयलेट। ये यूरोपियन कंट्री में पिकनिक के लिए यूज करते हैं, लेकिन अपने इंडिया में हम नहीं करेंगे। ये आपका वर्ल्ड का बेस्ट टॉयलेट सीट है, जापान की टोटो कंपनी ने बनाया। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब आप देखते हैं कि अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हैं, उस समय मन करता है यार थोड़ा सा और करें। तो फर्स्ट टाइम जब आप इस सीट पे बैठेंगे तो इस सीट वाइब्रेट करके मसाज करेगा। मसाज करेगा तो प्रेशर हाई होगा, फ्रेश होंगे तो क्लीन करेगा, ड्राई करेगा, ऑडियो सुनने का मन किया ऑडियो भी चलेगी, शुगर प्रेशर ब्लड प्रेशर सब चेक करेगा। तो ये आपका हाईली एडवांस्ड टॉयलेट सीट है। सीट आ रहा है आपका इस डिजाइन में मॉडर्न सीट आपका। पहले क्या था, हम वॉश बेसिन के पानी अलग फ्लश करते थे, फिर इसके लिए अलग फ्लश करते थे। आज के डेट में जो सीट बनाया रोका कंपनी ने बनाया, इसमें क्या है, वॉश बेसिन में जो भी पानी आप यूज करेंगे इसी बेस्ट वाटर से ये फ्लश हो जाएगी। तो पानी को सेव करते हैं। ये सब आपका एक्यूप्रेशर मसाज है, एक थेरेपी है, नाम है सुजोक थेरेपी, जो डॉक्टर सर पार्कर कोरिया के उन्होंने बनाया बताया। मेन बात क्या है कि जैसे आप देखते हैं कि आप कहीं पार्टी फंक्शन में हो, मीटिंग में हो, या टॉयलेट में हो, कहीं भी हो, या कहीं जा रहे हो, उस समय आपको जोर से प्रेशर आ जाती है, तब क्या करेंगे, मीटिंग भी इम्पोर्टेंट है और प्रेशर भी, तो मीटिंग छोड़ के जा नहीं सकते और प्रेशर कंट्रोल कर नहीं सकते, तब क्या करेंगे। उस समय एक थेरेपी काम आती है, सुजोक थेरेपी। मेन बात क्या है कि उस समय प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अपने किसी भी हाथ पे पेन और पेंसिल लेंगे, ब्लंट ऑब्जेक्ट लेंगे, उससे एंटी क्लॉक वाइज डायग्राम स्क्वायर में ड्रॉ करेंगे, तो हमारा प्रेशर है 3 से 4 बार ड्रॉ करना है, ज्यादा नहीं, तो हमारा प्रेशर है वो करीब 15 से 20 मिनट के लिए कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसा है क्या? ऐसा है, और ये रियल है, सभी लोग यूज करते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ एंटी क्लॉक वाइज ही करे, क्लॉकवाइज करेंगे जो थोड़ा प्रेशर है और तेज हो जाएगी। कभी आपने सबमरीन का टॉयलेट देखा, पानी के जहाज का? तो ये आपका सबमरीन का टॉयलेट है, पानी के जहाज का टॉयलेट है, नाम है इसका इंसिनोलेट मशीन। मेन बात क्या है कि पानी को गंदा भी नहीं करना है और यूज भी करना है, तो इसमें क्या है, वो टिश्यू पेपर लगा के यूज किया, फ्रेश होने के बाद एक लीवर को पुश करते हैं तो सारा ह्यूमन वेस्ट भी टिश्यू पेपर नीचे आ जाते हैं, इसमें ये काफी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। उसके बाद फ्रेश होने के बाद पुश बटन को पुश करेंगे तो हमारा ह्यूमन वेस्ट विद टिश्यू पेपर सब बर्न हो जाता है, इसमें सब जल जाती है। तो इंसिनरेट मशीन का काम है सारे लैट्रिन टॉयलेट को जला देना, जलने के बाद जो राख बचती है उसको पेपर में रखते हैं, फिर सिप बाहर आती है उसको यूज कर लेते हैं। तो ये है हमारा सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स, मतलब हम लैट्रिन को भी म्यूजियम बनाया, और काफी यूनिक चीज है, सभी लोगों को जानना जरूरी होता है।
सो गाइस ये एक वीडियो थी वाले म्यूजियम की, और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को एंजॉय करा होगा। दोस्तों अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसी यूनिक और अलग अलग कंटेंट डालने की कोशिश करता रहता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी दिल्ली के अपन नेक्स्ट ब्लॉग में।